खुश आमदीद। आज हम बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद होती है। आज हम चॉकलेट पुडिंग बना रहे हैं बच्चों के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ml दूध, फुल फैट मिल्क लें, 3 tablespoons कॉर्नफ्लोर, 4 tablespoons कोको पाउडर। पुडिंग बनाने के लिए अनस्वीटेंड कोको पाउडर लें। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। 1 cup चीनी डाल के फिर से मिलाते हैं। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको छान लेते हैं। इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। इसको पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। ध्यान रहे, लगातार चलाते हुए पकाना है हमको। ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब 2 tablespoons ग्रेटेड चॉकलेट मिला लेते हैं इसमें। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है। फ्लेम ऑफ करके हम इसको उतार लेंगे। 2 tablespoons बटर मिला लें। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है और 1/3 teaspoon वनीला एसेंस लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ज़रूर मिलाएं, 1 pinch। अब हम इनको बाउल्स में निकाल लेंगे और इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाएं और सेट भी। ख्याल रहे कि हमेशा ढक के फ्रिज में डालें आप। अब हमारी पुडिंग ठंडी हो चुकी है। इनको थोड़े से चॉकलेट चिप्स से सजाएं और सर्व करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।